हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्रेनी गेम में एक्सट्रीम मोड खेलने वाले हैं और ये हमारा गेम जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैं डिफिकल्टी यहाँ पर एक्सट्रीम मोड रखने वाला हूँ और मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी के साथ नाइट मेयर भी ऑन करने वाला हूँ। तो गाइस, आज का गेम बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू बटन दबा दिया है और यहाँ पर गेम लोडिंग हो रहा है गाइस। ओके गाइस, यहाँ पर हमारा डे वन जो है आ चुका है और ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। और गाइस, ये देखिए यहाँ पर डार्कन मोड जो है कितना अंधेरा कर रहा है इस हाउस में और मुझे क्या ग्रेनी दिख पाई है। ओके गाइस, हमारा गेम जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर भागता भागता जा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे शॉर्ट गन का पार्ट जो है मिल चुका है। ओके गाइस, जल्दी चलते हैं। ग्रेनी ने मुझे देख लिया तो वो बहुत आज रन बहुत तेज करने वाली है, तो गाइस उसे छुप छुपा के हमें जाना होगा। तो ओके गाइस, यहाँ मैंने साउंड कर दिया है और यहाँ पर एक गैसोलीन कैन भी रखा हुआ है। मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ से नीचे जाते हैं और देखते हैं, ग्रेनी तो अभी नहीं आई है। तो ग्रेनी नहीं आई है गाइस, तो यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं। गाइस, यहाँ से इसे हटाते हैं और यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं ताकि यहाँ पर ग्रेनी आ जाए, हम उधर साइड निकल जाए। ओके गाइस, इधर चल के देखते हैं और गाइस यहाँ भी साउंड करते हैं ताकि ग्रेनी यहाँ पर आ जाए। और गाइस, हमें छुप के ही खेलना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्रेनी रन बहुत फास्ट करने वाली है एक्सट्रीम मोड के अंदर। ओके गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं इस गैसोलीन कैन को कार के पास फेंक दूंगा ताकि ग्रेनी वहां पर पहुंच जाए। इसमें कुछ है क्या गाइस? ओके गाइस, हमें वेपन की यहाँ पर मिल चुकी है, ये हमारे बहुत काम आने वाली है क्योंकि हम इस गेम में ग्रेनी को बार बार मार सकेंगे क्रॉसबो के मदद से। ओके गाइस, ग्रेनी अभी तो ओके गाइस, यहाँ से साउंड क्रिएट करने चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ मैंने साउंड क्रिएट कर दिया है और हम वापस चलते हैं इस वीपन की को लेकर क्रॉस वो लेने। ओके गाइस, यहाँ मैंने फिर से साउंड क्रिएट कर दिया है क्योंकि ग्रेनी को बहुत टाइम हो चुका था यहाँ पर। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैं इसे साउंड करता हूँ और यहाँ से वापस से चलते हैं नीचे और अब चलते हैं क्रॉस वो लेने वीपन की सहायता से। ओके गाइस, यहाँ से जल्दी से फटाक चलते हैं गाइस इस वाले रास्ते से। ओ गाइस, ये क्या यहाँ पर? तो गाइस, ये तो रास्ता तो बंद हो चुका है गाइस, जल्दी मुझे जाना होगा क्योंकि आवाज क्योंकि वो गाइस ग्रेनी ने मुझे देख लिया और मार दिया। ओके गाइस, आप सोच सकते हैं कि ग्रेनी कितना ज्यादा फास्ट यहाँ पर भाग रही है। ओके गाइस, हमारा डे टू आ चुका है और गाइस वीडियो बनाए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैं फिर से उठ चुका हूँ। तो ओके, जल्दी फटाफट चलते हैं, मुझे लगता है नीचे तो ग्रेनी होगी। तो गाइस, सबसे पहले ऊपर वाले आखिरी वाले रूम में चलते हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ ताकि हम यहाँ से नीचे से जा सके। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ और गाइस ग्रेनी देखिए कितने फास्ट आ रही है, मुझे जल्दी छुपना होगा। ओके गाइस, मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैं छुप गया जाए गाइस, थोड़ी सी और देर हो जाती हमें, एक सेकंड भी तो ग्रेनी हमें यहाँ पर मार देती। ओके गाइस, अभी रिलैक्स हो चुकी है, इधर उधर देख रही है, इसका हमारे ऊपर से ध्यान हट चुका है। तो ओके गाइस, ये यहाँ पर जा रही है तो मैं बाहर निकल सकता हूँ क्या? ओके गाइस, मुझे ना से सेफली जाने के लिए सबसे पहले खिड़की के पास खिड़की के उधर जाना होगा क्योंकि ग्रेनी इधर मुझे ढूंढ सकती है। और यहाँ पर मैं साउंड क्रिएट करता हूँ और यहाँ से चलते हैं नीचे और गाइस उस बीपन की को मुझे ले जाना होगा और किसी रास्ते से।
सबसे पहले गाइस यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं और मैं सबसे पहले शॉटगन का पार्ट वहाँ पर लगा आता हूँ। तो ओके गाइस हम देख लेते हैं कि ग्रेनी तो अभी यहाँ आने वाली तो नहीं है। ओके गाइस ग्रेनी यहाँ पर आ चुकी है तो हम उस साइड चलते हैं साउंड क्रिएट करने और फिर हम शॉटगन के पार्ट को वहाँ पर लगाएंगे। ओके गाइस यहाँ से मैं ओके गाइस एक और रास्ता है जिससे मैं उस रास्ते तक पहुँच सकता हूँ। यहाँ पर मैं साउंड क्रिएट करता हूँ और गाइस 2 नंबर वाली लिफ्ट में हमें सामान मिल सकता है। यहाँ से मैं खिड़की ओपन करता हूँ और ये मैं डायरेक्ट नीचे आ चुका हूँ। ओके गाइस सबसे पहले चलते हैं यहाँ से और गाइस इस वीपन की से पहले क्रॉस वो लेते हैं, वो हमारी बहुत मदद करेगा इस गेम में। ओके गाइस इसमें कुछ है क्या? ओके गाइस मुझे रिमोट कंट्रोल भी यहाँ पर मिल चुका है, इसे हम बाद में लेंगे आके। तो चलिए गेट को ओपन करते हैं। पेडलॉक कोड मिल चुका है गाइस और हमें एक और गन शॉट का पार्ट मिल चुका है और हम यहाँ सबसे पहले नीचे चलते हैं क्योंकि हमने साउंड बहुत सारा क्रिएट कर दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इससे बाहर फेंकाएगी क्या गाइस? ये बाहर तो जा ही नहीं रही गई है गाइस। गाइस बाहर कैसे जाएगी? साउंड जब तक बाहर नहीं जाएगी। ओके गाइस से बाहर गई माँ। ओके गाइस यहाँ पर मैंने साउंड क्रिएट कर दिया है। ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी आ चुकी है और मुझे लगता है कि मैं सेफली जा सकता हूँ। तो सबसे पहले इस वीपन की को लेकर चलते हैं क्रॉसवो के पास। ये देखिए यहाँ पर बुक भी मिल चुकी है गाइस, हमें बुक भी मिल चुकी है। यहाँ पर हम स्पाइडर की ले सकते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पर से एक इंटेलिजेंट डार्ट और क्रॉसवो उठा लिया है और मैं यहाँ से सबसे पहले साउंड क्रिएट करके ग्रेनी को यहाँ बुलाना होगा। ओके गाइस यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं और ग्रेनी को बुलाते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंट डार्ट उठा लिया है और अब मैं ग्रेनी को मारने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे साउंड क्रिएट करना होगा। ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी आ चुकी है और मैं इसे मार सकता हूँ क्या? वो गाइस यार इंटेलिजेंट डार्ट कहाँ जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ गाइस। गाइस तो गया। अब गाइस मुझे दूसरा डार्ट लाना पड़ेगा यहाँ पर इसे मारने के लिए। तो गाइस इसने मुझे अभी देख लिया तो यहाँ से जा नहीं रही है ये, मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। सबसे पहले क्रॉस को उठा लेते हैं गाइस, थोड़ी देर वेट करते हैं इसके जाने का। ओके गाइस ये यहाँ पर रिलैक्स हो चुकी है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटेलिजेंट डार्ट लेकर आता हूँ और इसे मारते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए हमें राहत मिल सके इससे, ताकि हम दूसरे भी सामान यहाँ से ले पाएँ। तो फटाफट से चलते हैं उसी जगह पर और यहाँ पर मैं साउंड क्रिएट कर देता हूँ ताकि ग्रेनी यहाँ पर आ जाए। ओके गाइस जल्दी से चलते हैं वहाँ पर और यहाँ पर चलो मैं क्रॉस पॉप इधर ही फेंक देता हूँ, नहीं तो बाहर गिरगा तो दिक्कत हो सकती है। तो ओके मैंने साउंड क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर क्रॉस पॉप उठा लूँगा मैं और यहाँ पर मैं डार्ट उठा लेता हूँ एक और अब ग्रेनी को मारेंगे हम आने दो से। ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी हमें आ चुकी है और हमने इसे मारा और जल्दी से इंटेलिजेंट डार्ट उठा के जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। 15 सेकेंड है हमारे लिए मात्र। इस 15 सेकेंड के बाद ग्रेनी यहाँ पर उठ जाएगी और हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे तो हमें जल्दी फास्ट जाना होगा। सबसे पहले नीचे वाले रूम को हमें लॉक को ओपन करना होगा इस डार्ट की मदद से। ओके गाइस यहाँ पर मैं निशाना लगा लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पर मैंने मारा। ओके गाइस यहाँ पर गेट खुल चुका है। सबसे पहले गाइस डार्ट उठाते हैं हम और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 15 सेकंड हो चुके हैं गाइस, ग्रेनी कोई भी यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर ग्रेनी का रन बहुत फास्ट होने वाला है। ओके गाइस यहाँ पर हम अभी गाइस डोर स्केप के तो मुझे कुछ ऐसा सामान मिला नहीं जिससे मैं डोर स्केप कर पाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं। तो चलो गाइस इसे पकड़ते हैं, ये बाहर जा रहा है गाइस। ओके गाइस यहाँ पर इसे यहाँ पर फेंकते हैं ताकि ये कहीं नहीं जाए, यहाँ पर रुक जाएगा। तो गाइस यहाँ से पहले साउंड क्रिएट करते हैं और ग्रेनी को बुलाते हैं और फिर ग्रेनी को एक बार और मारेंगे हम। और गाइस हमें यहाँ पर पूरा सामान लाकर फेंकना है जितना भी पीछे रूम में सामान पड़ा हुआ है। तो ओके गाइस ग्रेनी यहाँ पर आती होगी। तो
तो गाइस ग्रेनी यहाँ पर आ चुकी है और मैं डार्ट उठाकर ग्रेनी को मारने वाला हूँ फिर से। तो गाइस ये मैंने मारा ग्रेनी को और यहाँ पर फेंकते हैं गाइस, तो जल्दी से चलते हैं गाइस। उस रूम के अंदर कुछ ना कुछ तो था। ओके गाइस सबसे शॉटगन का पार्ट नहीं गाइस इसे छोड़ो अभी, सबसे पहले इधर देखते हैं कुछ है क्या। सबसे पहले नीचे वाले रूम के अंदर चलते हैं और उसमें देखते हैं। ओके गाइस हमें हमर मिल चुका है गाइस, हमर यहाँ पर हमें हमर मिल चुका है और हम इसे सबसे पहले इसे तोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं गाइस और ये हमर हम वहीं जाकर फेंक देंगे और ऐसे कर करके एक एक सामान कर करके हम इसे यहाँ पर फेंक देंगे ऐसे लाके, तो ताकि हमें बाद में यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी भी आती होगी। ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी आ चुकी है और उसने मुझे नहीं देखा, अच्छी बात है ये। ओके गाइस जल्दी से चलते हैं शॉटगन के पार्ट को। ओके गाइस यहाँ पर शॉटगन के पार्ट को मैं उठा लेता हूँ और वहीं पर फेंक देता हूँ गाइस। ऐसे कर करके हमें यहाँ का पूरा सामान उधर ही फेंकना है ले जाके, ताकि हम बार बार हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पर हम अभी सेफ है। तो ओके गाइस यहाँ पर पेडलॉक कोड मुझे मिल चुका है जो ये गेट पर यूज़ होगा टूर एस्केप करने में, तो इसे भी यहाँ पर हम फेंक आते हैं। ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी जा रही है और जल्दी से हम पीछे हो जाते हैं ताकि ग्रेनी हमें ना देखे, नहीं तो हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। तो ओके गाइस यहाँ पर कुछ है नहीं अभी। ओके गाइस हमने ये फ्लैंक तोड़े थे हमर से, तो इसमें कुछ है क्या। ओके गाइस हमें मीट मिल चुका है जो ये स्पाइडर में काम आने वाला है, तो इसे भी जल्दी से चल के वहाँ फेंक आते हैं। ओके यहाँ से मैं साउंड क्रिएट करता हूँ गाइस, इसे भी यहाँ पर फेंकते हैं। और गाइस क्रॉस वो उठा के मेरे हिसाब से एक बार ग्रेनी को मार ही दूँ क्या। गाइस यहाँ पर ग्रेनी जो है आ चुकी है, अब इसने मुझे देख लिया, मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। देखिए गाइस इसकी रनिंग देखिए कितनी तेज है, देखिए गाइस तुरंत थोड़ा इसे रिलैक्स होने देते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। ओके गाइस यहाँ पर ये रिलैक्स हो चुकी है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं और देखते हैं। ओ गाइस यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ भी, हाँ गाइस मुझे रिमोट कंट्रोल यहाँ पर दिखा था। ओके यहाँ पर रिमोट कंट्रोल उठाते हैं हम और यहाँ पर साउंड क्रिएट करते हैं और यहाँ पर से मैं इसे भी वहाँ पर फेंक दूंगा। ओके गाइस ग्रेनी यहाँ पर से जा चुकी है और शायद एक बार और मुझे गाइस यहाँ पर मैं ये क्रॉसबो उठा लेता हूँ और इस बार ग्रेनी को मैं मार दूंगा। ओके गाइस ग्रेनी आ रही है अभी गाइस। ओके गाइस यहाँ पर ग्रेनी जो है आ चुकी है गाइस, ये इसने मुझे देख लिया है और मैं इसे अभी मारना नहीं चाहता हूँ। ओके गाइस ये अभी रिलैक्स हो चुकी है, सबसे पहले मैं वो बुक उठा लाता हूँ गाइस वहाँ से, बुक को भी इसी पर फेंक देंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखी थी गाइस इस डोर में कुछ है क्या, इसमें कुछ नहीं है। और गाइस ये वाला रूम भी हमें देखना है अभी आके, इसमें भी कुछ ना कुछ मिल सकता है ज़रूरी चीज़ हमें। तो ओके गाइस इसे भी यहीं पर फेंक देते हैं, ये हमारे एस्केप करने में मदद करेगा क्योंकि हम बार बार इधर नहीं आ सकते। ओके गाइस मैं यहाँ पर क्रॉस बो उठा लेता हूँ और इसमें मुझे फिर देख ले, थोड़ी देर इसे रिलैक्स होने देते हैं और फिर चलते हैं। गाइस ये रिलैक्स हो चुकी है, अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं उस वाले रूम में कुछ है क्या। गाइस यहाँ से चलते हैं। ओके गाइस इसे हटाते हैं, ग्रेनी आ ना जाए, यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर हमसे। ओके गाइस हमें यहाँ पर बैटरी मिल चुकी है, ये डोर एस्केप में हमारी मदद करेगी। गाइस यहाँ पर एक टेडी रखा हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है। ओके गाइस ग्रेनी यहाँ पर आ चुकी है और मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। ओके गाइस ग्रेनी ने मुझे देख लिया है गाइस, हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा और गाइस यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते। गाइस यहाँ का लुक देखो कमरे का कितना लाल हो रखा है। गाइस ग्रेनी यहाँ पर खड़ी है अभी भी, देखते हैं इसे छुप कर। ओके गाइस ये अभी नीचे की तरफ जा रही है, मुझे लगता है ये सही मौका है इधर से निकलने का। ओके गाइस इसने मुझे फिर से देख लिया है,
थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर रिलैक्स हो चुकी है, अब इसके जाने का हम वेट करते हैं। ओके गाइस, ये फिर यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है, मैं इसे देख लेता हूँ। वो गाइस ये मुझे फिर से ना देख ले। ओके गाइस, ने मुझे फिर से देख लिया। गाइस यहाँ पर इसने, वो गाइस यहाँ पर इसने ये फेंक दिया है। मैं इस पर चढ़ गया हूँ, फिर भी मुझे कुछ हो के नहीं रहा है। गाइस ये क्या हुआ? ओ नो गाइस, ये क्या हो गया? हमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे गाइस, आगे पीछे कुछ भी नहीं हो पा रहे हम। ये क्या हो गया है गाइस? ये हाँ, मैंने इसे बंद कर दिया है, पर मैं इधर आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा पा रहा हूँ गाइस? मुझे लग रहा है मुझे गेम को एग्जिट करना होगा गाइस। मैं आगे पीछे क्यों नहीं हो पा रहा हूँ इस गेम में? गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस गेम में। ग्रेनी जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, तो मुझे लगता है गाइस मुझे एग्जिट करना होगा। और गाइस आप कमेंट में बताना है कि मुझे ये गेम दोबारा से खेलना चाहिए या नहीं। तो गाइस देखिए, मैं आगे पीछे कुछ नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं अटक चुका हूँ एक तरीके से। और गाइस मैंने बहुत से सामान यहाँ पर इकट्ठा कर लिए थे, मुझे गेम को फिर से खेलना होगा। देखिए मैं आगे पीछे ही नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस मुझे यहाँ पर गेम को एग्जिट करना होगा, क्योंकि गाइस मैं गेम ही नहीं खेल पा रहा हूँ यहाँ पर। तो ऑलराइट गाइस, फिर